जिस समय भारत में पद्म अवार्ड्स दिए जा रहे थे उस समय पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा था। भारत की सरकार ने हाल ही में 119 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया, जिनमें 10 विदेशी और एनआरआई नागरिकों को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन 10 हस्तियों में एक नाम ऐसा भी था जिनके खिलाफ एक समय पर पाकिस्तान ने डेथ वारंट तक जारी कर दिया था, जिन्हें पाकिस्तान पिछले 50 सालों से ढूंढ रहा है। अब इन्हीं शख्स को पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ये शख्स हैं काजी सज्जाद अली जहीर। आपको बता दें, सज्जाद अली जहीर 1971 में पाकिस्तानी सेना में कर्नल रह चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने सज्जाद अली जहीर को मौत का फरमान सुना दिया था, और क्यों भारत ने इन्हें इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया। दरअसल कर्नल जहीर मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान के थे, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। कर्नल जहीर साल 1969 में पाकिस्तानी सेना की 14 पैरा ब्रिगेड स्पेशल फोर्सेस में शामिल हुए थे, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान से आए सैनिकों पर पाकिस्तान भरोसा नहीं करता था। कर्नल जहीर की ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड भी पाकिस्तान की आम सेना के जवानों से काफी अलग थे। पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान से शामिल हुए लोगों पर कड़ी निगरानी रखती थी, क्योंकि उन्हें शक था कि ये लोग पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार और नरसंहार के खिलाफ पाकिस्तानी सेना से बगावत कर सकते हैं। और हुआ भी वही। एक समय ऐसा आया जब पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ने लगे, जिसके बाद वहां के ज्यादातर जवानों और अधिकारियों को पाकिस्तान ने ग्राउंड ड्यूटी से हटा दिया। इतना ही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के 2 सैनिकों को एक साथ ड्यूटी पर भी तैनात नहीं किया जाता था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों ने कर्नल जहीर को हिलाकर रख दिया था। तब वो पाकिस्तान से भागकर भारत में घुस आए और पाकिस्तानी सेना से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और खुफिया जानकारी भारतीय सेना को दे दी। उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के हजारों लड़ाकों को सैन्य ट्रेनिंग भी दी। फिर उन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। आपको बता दें कि कर्नल जहीर जम्मू कश्मीर में सांबा के रास्ते भारत आए थे। जब वो भारत आए थे तब उनके पास सिर्फ 20 रुपए थे। कर्नल जहीर के भारत आने के बाद पाकिस्तानी सेना हद से नीचे गिर गई। पाकिस्तानी सेना ने कर्नल जहीर की बहन और माँ को टारगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी तरह वो दोनों भी वहां से भागने में कामयाब रहीं। इतना ही नहीं, कर्नल जहीर के भारत भागने के बाद बांग्लादेश में उनके घर को पाकिस्तानी सेना ने आग लगा दी। बहरहाल आपको याद दिला दें कि 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन गया। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.